इस सवाल में आपको दिया गया है कि आपका जो प्रोजेक्टाइल है उसके टॉप मोस्ट पॉइंट पर उसकी स्पीड इनिशियल वेलोसिटीज के मुकाबले हाफ है, तो यू बाय टू हो गया टॉप मोस्ट पॉइंट पे इसका स्पीड। आपसे इसका रेंज पूछा गया है इन टर्म्स ऑफ यू। तो एक चीज समझते हैं कि अगर टॉप मोस्ट पॉइंट की स्पीड मैं नॉर्मली लिखूं तो क्या होगा, हॉरिजॉन्टल स्पीड। और हमें पता है हॉरिजॉन्टल स्पीड कांस्टेंट होती है, उसकी वैल्यू होती है यू कॉस थीटा। तो इन शॉर्ट आपको दे रखा है कि इस प्रोजेक्टाइल मोशन में यू कॉस थीटा की वैल्यू है यू बाय टू, या हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है यू बाय टू। इसका मतलब हो गया कि कॉस थीटा आ गया 1/2, विच इंप्लाइज थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो 60 डिग्री के एंगल पे हमने प्रोजेक्टाइल को फायर किया है। अब हमें चाहिए कि इस प्रोजेक्टाइल की रेंज कितनी है। तो हमें मालूम है रेंज का फॉर्मूला, आर इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी, विच इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 120 डिग्री बाय जी। अब साइन 120 डिग्री की वैल्यू आपको निकालनी आनी चाहिए, इसकी वैल्यू होती है √3/2। देयरफॉर रेंज इज इक्वल टू √3 यू स्क्वायर बाय 2g।